अस्सलाम वालेकुम। तो आज का ये जो भी वीडियो है भाई पूरा देखिए, एक रिक्वेस्ट है और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि कुछ कबूतर बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, कुछ नस्लें बहुत ज़्यादा उड़ती है और कुछ नस्लें बिल्कुल उड़ती ही नहीं है, तो उनके लिए वीडियो है। इसी तरीके से पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई गई हैं, लेकिन इस वीडियो में भाई बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होकर बात करने की कोशिश की जाएगी ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आए कि भाई मुआशरे में, सोसाइटी में चल क्या रहा है और लोग इतना क्यों अंधे बनकर एक एक नस्ल या एक एक कबूतर के पीछे भाग रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक से एग्जांपल लेते हैं, हम बाहर के देश की बात बाद में करेंगे, पहले हम इंडिया की बात करेंगे। जब भी आप कबूतरबाजी के बारे में सुनते हैं या कबूतर के उड़ान के बारे में सुनते हैं, आप एक ही चीज़ सुनते हैं कि भाई रामपुरी कबूतर भाई काफ़ी ज़्यादा उड़ते हैं, बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। ठीक है, कोई बोलता है कि कोई एक नस्ल बहुत ज़्यादा उड़ती है, कोई किसी नस्ल को बोलता है, कोई किसी नस्ल को बोलता है। इसी तरीके से हमारे पास एक एक नस्ल को इतना चढ़ा कर रखा हुआ है। ठीक है, संभल वाले कबूतर तो भाई इतना ज़्यादा उड़ते हैं, ठीक है, चंदाखानी कबूतर जो है वो रात में जो है अपना लाइट लगाने के खंदिल जिसको बोला जाता है उसमें बैठते हैं कबूतर। इस तरीके से बहुत सारी बातें होती हैं भाई यहाँ पर सोसाइटी में जो मालूम होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं चंदाखानी कबूतरों के। एक आदमी है जिसके पास तकरीबन करीब 200 से 300 कबूतर रामपुरी चंदाखानी कबूतर एक ही साथ, करीब 300 कबूतर उसके पास केज में है। ठीक है, ये तो एक आदमी हो गया। एक के पास मैंने देखे भाई कलंच, एटलीस्ट 100 कबूतर के ऊपर उसके पास रामपुरी कलंच अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक संभल वाले भाई से भी बात की है, उनके भी पास का एक वीडियो देखा है, वाइट वाले कबूतर जो संभल वाले बड़े साइज़ के होते हैं, तकरीबन उनके पास कुछ 150 या 200 कबूतर होंगे इसी टाइप के। तो भाई अगर ये कबूतर इतना उड़ते हैं और ये कबूतर इतना टाइम करते हैं तो ये सारे भाई कहाँ हैं जब टूर्नामेंट्स उड़ते हैं, जब सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो ये सारे भाई उनमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते? और अगर नहीं करते तो ये कबूतर अगर वो किसी को देते हैं तो उनके पास भी ये कबूतर क्यों परफॉर्म नहीं करते? इसका रीज़न क्या है? लोग इतना ज़्यादा इसमें अंधे हो चुके हैं एक एक ब्रीड को लेकर के भाई ये नस्ल इतना उड़ेगी, ये नस्ल इतना उड़ेगी, उनको ये दिमाग में बिल्कुल थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है भाई कि कबूतर नस्ल से उड़ता है वो बहुत बाद में आता है। पहले होती है कबूतर की सही जोड़ा लगाना, ठीक है, सही ब्लड लाइन जिससे वो बिलोंग करना चाहिए, उसके बाद भाई कबूतर उड़ेगा आपका, जिसमें सब में मेन टॉप पोजीशन पे आती है आपकी मेहनत और आप कितनी मेहनत करवाते हैं कबूतर से, कितना उसको प्रॉपरली ट्रेन करते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ट्रेनिंग का भाई कोई भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, थोड़ा सा भी लोगों को प्रॉपर आइडिया नहीं है कि कबूतरों की जो एक्चुअल ट्रेनिंग होती है, इनकी जो ग़िज़ा होती है, इनका जो खाना होता है ट्रेनिंग के टाइम पे, वो किस तरीके से दिया जाता है, कैसे इनकी एक्सरसाइज होती है, कैसे इनकी सांस बनाई जाती है कि ये ज़्यादा टाइम तक उड़े, कैसे इन कबूतरों को संभाला जाता है 8 घंटे या 6 घंटे की परवाज़ के बाद, इनका जो मसाज होता है, इनकी जो मालिश होती है वो किस तरीके से होती है, कौन से इनके पैर के साथ क्या करना चाहिए, इनके पर के साथ क्या करना चाहिए, इनकी चोंच, इनके सर के साथ क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जब कबूतर उड़कर वापस आता है, इनकी दुम के साथ, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा मिसिंग हैं। लोग ये चीज़ को ना तो सीखना चाहते हैं, ना कोई अगर उनको सिखाता है तो उसको अप्रिशिएट करेंगे। लोग बस यही बोलेंगे कि हाँ भाई हमें कबूतरबाजी मत सिखाओ क्योंकि हमें तो भाई ज़बरदस्त तरीके से आती है। अगर हमारे पास कबूतरबाजी लोगों को आती है तो हमारे पास जो एवरेज टाइम्स है, एवरेज टाइम जो बनता है कबूतरों का उड़ान का, वो इतना कम क्यों है? लोग ये क्यों नहीं समझते कि ये एक ऐसा शौक़ है जिसमें आप कभी भी, आप अगर पूरी ज़िंदगी भी लगा लेंगे तो आप कम्प्लीटली नहीं सीख सकेंगे कबूतरबाजी को। ये एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग इसको कम्प्लीटली डिसरिगार्ड कर देते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई हमने तो 10 साल से कबूतर पाल लिए तो हमें तो भाई किसी के कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो भाई ऑलराउंडर है, हमें सब पता है कि जोड़े कैसे लगाते हैं, कबूतर को उड़ाते कैसे हैं, कबूतर को बिठाते कैसे हैं, उसको नुस्खा कौन सा लगाते हैं, क्या करते हैं। भाई मैं आपको एक क्लियरली चीज़ बता दूं कि मैंने शौक़ बाहर जाकर किया हुआ है, कबूतर उड़ाए हुए हैं और उस हिसाब से मैं आपको ये एक चीज़ बोल सकता हूं कि जोड़े लगाने वाला उस्ताद कोई होता है, कबूतर की तैयारी कोई और करता है, कबूतर पर आखिरी दिन नुस्खा कोई और लगाता है, कबूतर की संभाल कोई और करता है। इस तरीके से एक एक आदमी एक एक चीज़ में स्पेशलाइज
कर लिया होता है, ठीक है। एक आदमी को जोड़े लगाने की नॉलेज नहीं होती, लेकिन उसको जो कबूतर की ट्रेनिंग होती है वो ज़बरदस्त तरीके से करवानी आती है। कोई ऐसा भी होता है जिसको बस जोड़े लगाना आता है और वो ब्रीड बना सकता है और सक्सेसफुल उड़ान वाले कबूतर की ब्रीड तैयार कर सकता है, लेकिन उसको उड़ाने का फ़न नहीं है। ये डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स है जो आपको सीखने होते हैं यहाँ पर, लेकिन लोग एक एक नस्ल के पीछे लगे हुए हैं, ना कि कोई एक स्किल के। आप स्किल के पीछे जाइए, आपको ऑटोमेटिकली कबूतर आपका रिजल्ट और टाइम देना शुरू कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि हम अगर दूसरे देश की बात कर लें और लोगों के जो दिमाग में एक हद से ज़्यादा बड़ा मिसकंसेप्शन है, ठीक है, हद से ज़्यादा बड़ा मिसकंसेप्शन कि हाँ भाई दुनिया में जो उड़ेगा वो एक ही कबूतर उड़ेगा, वो टेडी कबूतर उड़ेगा, इससे ज़्यादा कोई उड़ता नहीं है। मैं मानता हूँ ये बात को कि टेडी कबूतर बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखनी होगी कि अगर आप इंडिया के बाहर चले जाएँ, सऊदी चले जाएं, दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, ये सारी गल्फ कंट्रीज चले जाएं, या ईरान के साइड चले जाएं, या पाकिस्तान में खुद चले जाएं, वहां पे आप देखेंगे कि एक एक छत पे आप देखेंगे मिनिमम से मिनिमम 200, 300, 400 आपको टेडी कबूतर मिलेंगे। तादाद में मिलेंगे, एकदम A1 दिखने वाली क्वालिटी में मिलेंगे आपको, ठीक है। आप उसको देखकर परेशान हो जाएंगे, फुल स्टैंडिंग में कबूतर होगा, उसके पर बाहर निकले हुए होंगे, शोल्डर्स, ठीक है, एकदम खड़ान में कबूतर होगा, आंख उसकी ऐसे वाइट कलर में लाल डोरे के साथ चमक रही होगी, ठीक है, बराबर छाप होगी बॉडी पे, ज़बरदस्त आँख में जर्रात, कबूतर कम्प्लीटली तैयार दिखेंगे आपको। लेकिन भाई आपको ये एक क्वेश्चन है, क्या ये लोग टूर्नामेंट में या बाजियों में अपना कुछ रिकॉर्ड बना सक रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जितने भी 2020 की आप बाजियां देखेंगे, आप जाएंगे YouTube पे तो कामरान अब्बास एक नाम के शख्स है, उनसे भी इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि एक इंटरव्यू किया जाए, उनके साथ भी कोशिश में लगा हुआ मैं, इंशाल्लाह हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि बहुत ही अच्छा आदमी है वो और शौक़ को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो उनके आप अगर वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा, उन्होंने पर्सनली सारे छत विज़िट किए हैं। आप 2018 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, 2020 भी देख लीजिए, उन्होंने पर्सनली जो भी कबूतर जीते हैं, जो भी एरिया का जो विनर है उसके घर पे वो गए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने उन लोगों के कबूतर आपको बताए हैं कि कौन से कबूतर ने उस दिन टाइम किया है, कौन से कबूतर ने 8 घंटे किए, कौन से ने 10 घंटे किए, कौन से ने 12 घंटे किए, ओवरऑल एवरेज किसका बढ़ के था, कौन से जोड़े के बच्चे उड़े, ये सारी आपको डिटेल दिखेगी। और जब आप वहाँ पे जाके देखेंगे आप ये एक ही चीज़ देखेंगे कि भाई कबूतरों को बनाया गया है, इसमें एक स्किल है, ठीक है, ये कोई भी तरीके से बस टैडी उठाए और टैडी उड़ा दिए ये सीन नहीं है, या बस कमग्गर उठाए और कमग्गर उड़ा दिए ये सीन बिल्कुल भी नहीं है। कबूतर पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जोड़ लगाने पर मेहनत करनी पड़ती है, ये हमारे भाइयों को बिल्कुल समझ नहीं आता। मेरे को एवरी डे एटलीस्ट एक या दो आदमी ज़रूर मैसेज या कॉल करके बोलते हैं कि भाई हमें टैडी कबूतर चाहिए, वो इतने ज़्यादा उड़ते हैं। मैं कितना आप लोगों को वीडियोस के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई कबूतर बनाने पड़ते हैं, वो नस्ल एक बनी हुई है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आपको अगर फ़न सीखना है, फ़न के ऊपर है ये, फ़न एज इन एक स्किल के ऊपर है, उड़ान की स्किल और ब्रीडिंग की स्किल। टैडी कबूतर जो है, अच्छा टैडी कबूतर एक रेस बाइक की तरह है, ठीक है, एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह है। आप वो स्पोर्ट्स बाइक को अगर स्पोर्ट्स बाइक के ट्रैक पे ले जाएंगे, रेस ट्रैक पे ले जाएंगे, जब ही वो बाइक परफॉर्म करेगी, जब उसके ऊपर एक स्किल्ड ड्राइवर होगा, बाइकर होगा जो प्रॉपर एक्सपीरियंस वाला हो, एट द सेम टाइम उसका ट्रैक सही हो, सारी चीज़ जब सेट बैठेगी तभी भाई आपकी वो जो बाइक है वो 300 या 350 की स्पीड पे जाएगी, ठीक है। अगर आप हमारे लोकल इंडियन कबूतर देखेंगे तो भाई ये है हमारे लोकल इंडियन कबूतर, जिनमें आपको अपनी मेहनत करनी है, आपको अपना जोड़ा लगाना है, आपको इनके बच्चे बनाने हैं, उसके बाद आपको इनको निकालना है। तो भाई ये देसी है, जैसे हम लोग बोलते हैं देसी और इंग्लिश, ये देसी है, ये हार्ड नस्ल है, ये आप जैसे बनाएंगे वैसी बनेगी, ठीक है, ये कोई बनी बनाई नस्ल नहीं है, ये आपकी ख़ुद की मेहनत होगी, आपकी कारीगरी होगी, ठीक है, आपको कोई एक स्किल्ड प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है ये नस्ल को उड़ाने के लिए। आप कुछ कबूतर लाइए, अपने घर पर रखिए, उनका जो है रिज़ल्ट देखिए, फिर
कुछ क्रॉस कराइए, फिर उसके हिसाब से रिजल्ट देखिए। इसी तरीके से आपके कबूतर जब आप खुद बनाएंगे तो आपको समझ आएगा कि इनकी उड़ान का पैटर्न क्या है, स्टाइल क्या है, किस तरीके से इन कबूतरों को उड़ाना चाहिए, नहीं उड़ाना चाहिए, ये जोड़ा सेट है नहीं है। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में वीडियो बनाने का यही रीज़न है कि इतना ज़्यादा समझाने के बाद भी मैं एक अकेला नहीं, ऐसे कईयों लोग हैं जो ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कबूतरबाजी एक नस्ल से नहीं चलती, कबूतरबाजी कोई नस्ल का खेल नहीं है, कबूतरबाजी एक फ़न है, एक स्किल है जो आप सीखते हैं। आप 100 रुपये का कबूतर लेकर आएँ मार्केट से, कचरे में से उठाकर लेके आएँ और आप उसको 8 घंटे उड़ा सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर स्किल है तो। आपको समझ होनी चाहिए, कबूतर की परख होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास स्किल होना चाहिए। अगर आपके पास ये 2-3 चीज़ें हैं तो भाई आपको ना टेडी कबूतर की ज़रूरत है ना किसी और कबूतर की ज़रूरत है। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि भाई ये चलिए टेडी का मगर कसूरी है, या हमारे इंडिया में बात कर ले हम तो ये रामपुरी कबूतर है, ठीक है, चंदा खानी कबूतर, संबल वाले, ये सारे भाई यही अगर कबूतर हमारे पास होंगे तो हम टूर्नामेंट जीत सकते हैं, नहीं तो नहीं जीत सकते। इस तरीके से ऐसा कोई भी सीन नहीं है भाई, आपको बस एक स्किल सीखनी होगी, प्रॉपर स्किल सेट आपके पास होना चाहिए कबूतर उड़ाने का और कबूतर के जोड़ लगाने का। जब आप ये समझ जाएंगे तो भाई ख़त्म, आपको और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ऐसी फैंसी कॉस्टली नस्लों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मैं ये रीज़न इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि अभी कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, ठीक है, आगे मार्च में अप्रैल में, और लोगों की अभी से कोशिश शुरू हो गई है कि कहाँ से भाई हमें रामपुरी मिल जाए, कहाँ से हमें संबल वाले ये सारे कबूतर मिल जाए, कल्दू में ये सारी चीज़, ताकि हम जो है हमारा टूर्नामेंट जीत सकें। तो भाई मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दूँ कि कोई भी नस्ल से कबूतर नहीं उड़ता, कबूतर के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, जितनी आप लोग मेहनत करेंगे कबूतर भाई आपका उतना ज़्यादा परफॉर्म करके बताएगा। मेहनत के साथ साथ संभाल होती है, उसकी ग़िज़ा होती है, उसका खाना पीना, उसका केज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंसिडर करनी पड़ती है। बस ऐसे ही कि कोई कबूतर की नस्ल लेकर आए और उड़ा दिए, इससे भाई कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो इतना ही था सिर्फ इस वीडियो के लिए, आप लोगों को क्लियरली समझाना था भाई कि थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। अगर शौक को आगे बढ़ाना है तो आपको सीखना पड़ेगा कि क्या क्या है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर करिए इसको जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। चलिए अल्लाह हाफ़िज़।